Swayam Prabha Digital India Educated India Namaskar मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का शीर्षक है श्रम एवं औद्योगिक विधि भागवान और इस पाठ्यक्रम में आज हम आपके समक्ष एक व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हैं जिसका शीर्षक है अनुचित श्रम व्यवहार का विनियमन उद्योगों में अनुचित श्रम व्यवहार का विनियमन प्रारंभ में हम इस व्याख्यान का उद्देश्य समझ लें इस व्याख्यान में हम अनुचित श्रम व्यार सम की समस्या को जानने का प्रयास करेंगे और कैसे उद्योगों में अनुचित तो श्रम व्यवहार अस्तित्व में आता है या उसका पालन किया जाता है और क्या क्या उससे कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं तो उसके पश्चात हम भारत में अनुचित श्रम व्यवहार को विनियमित करने वाले कानून क्या हैं और उन कानूनों का विकास कैसे हुआ है और आज उसकी क्या प्रास्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे इसके साथ ही साथ हम भारतीय कानूनों के अंतर्गत नियोक्ताओं की ओर से अनुचित श्रम व्यवहार जिसको चिन्हित किया गया है उसकी चर्चा करेंगे विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कर्मकारों या फिर उनके ट्रेड यूनियनों के द्वारा जो अनुचित श्रम व्यवहार अपनाए है जाते हैं उसकी भी चर्चा हम करेंगे तत्पश्चात अंत में हम औद्योगिक संबंध संहिता 2020 द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की चर्चा करेंगे और इस तरह से हम औद्योगिक संबंध के संदर्भ में हम अनुचित व्यापार व्यवहार का आ, क्या आ, प्रभाव पड़ रहा है कैसे उसको विनियमित किया जा रहा है इसकी हम चर्चा करेंगे जब हम किसी उद्योग के संदर्भ में औद्योगिक संबंध की बात करते हैं जहाँ पर एक नियुक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध स्थापित होता है जिसको सामान्यतः औद्योगिक संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है तो इस औद्योगिक संबंध में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी वहाँ पर संदर्भ होता है और अगर हम देखें तो श्रम की जो समस्या है श्रम की समस्या मूलतः आर्थिक व्यवस्था की समस्या है किस तरह की आर्थिक व्यवस्था किसी समाज में किसी देश में अनुपालित की जा रही है श्रम की समस्या भी उसी पर आधारित होगी इसी के साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि औद्योगिक विवाद व्यापक रूप से एक 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 व्याप्त घटना है औद्योगिक विवाद हर उद्योग में एक एक परि अपरिहार्य परिस्थिति है किसी न किसी दौर में किसी न किसी समय पर औद्योगिक विवाद हर उद्योग में रहा हुआ है और उद्योगों में औद्योगिक विवाद के रहने का एक कारण शायद अनुचित श्रम व्यवहार भी हो सकता है इस संदर्भ में हमको अनुचित श्रम व्यवहार को जानना उसकी समस्या को जानना और उसके विनियमन को जाना जानना आवश्यक हो जाता है हम ये भी जानते हैं कि अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए नियुक्ता और कर्मचारी के द्वारा सतत प्रयास किया जाता है और इनसे अधिक यह प्रयास राज्य के द्वारा किया जाता है राज्य का एक, एक एक उद्देश्य होता है कि कोई भी उद्योग जहां पर एक एक औद्योगिक उत्पादन का काम हो रहा है वह प्रभावित न हो और वहां पर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में एक एक स्वस्थ औद्योगिक संबंध बने रहे इसके लिए दोनों प्रयास करते हैं लेकिन हम यह भी जानते हैं जहाँ तक उद्योगों की बात है हम जानते हैं कि उद्योगों में सामान्यतः नियोक्ता के द्वारा अपनी पूंजी का निवेश किया जाता है और तत्पश्चात कर्मचारियों के द्वारा अपने श्रम का निवेश किया जाता है अर्थात उद्योग वह स्थान है जहाँ पर दो ऐसे ग्रुप के लोग दो ऐसे समूह के लोग इकट्ठे होते हैं जिनकी परिस्थिति में बहुत अंतर है एक तरफ नियोक्ता एक पूंजीपति के रूप में अपनी पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है निवेश कर रहा है दूसरी तरफ एक आन एक आम आदमी का, का, काम कामगार के रूप में कर्मचारी के रूप में अपना श्रम वहाँ पर निवेश कर रहा है ऐसे में कोई भी ऐसा व्यवहार जो नियोक् नियोक्ता के द्वारा अनुपालन किया जा रहा है जिससे कि कर्मचारियों के श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता या फिर उसके साथ उचित व्यवहार नहीं होता तो ऐसे में अनुचित श्रम व्यवहार की स्थिति उत्पन्न होती है अनु अनुचित श्रम व्यवहार की जो स्थिति है इसके उत्पन्न होने का कारण होता है कि उद्योग में किसका प्रभुत्व है अगर किसी उद्योग में प्रभुत्व नियोक्ता का है जो सामान्यतः होता है तो वहाँ पर अनुचित श्रम प्रथाओं के पालन किए जाने का पूरा का पूरा जो परिपेक्ष होगा वो नियोक्ता के संदर्भ में होगा और दूसरी तरफ अगर किसी उद्योग में कोई ट्रेड यूनियन है कर्मचारियों का ट्रेड यूनियन है जो बहुत शक्तिशाली है बहुत प्रभुत्व स्थापित किया हुआ है तो ऐसे में अनुचित श्रम व्यवहार जो है वो वहाँ पर ट्रेड यूनियन के ओर से की जा सकती है ऐसे में हम सभी जानते हैं कि ऐसी व्यवस्था से बचने के लिए ऐसी स्थिति में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हितों की सुरक्षा करने के लिए तथा साथ ही साथ उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप अपरिहार्य हो जाता है राज्य का हस्तक्षेप उस समय भी आवश्यक हो जाता है जब किसी उद्योग में अनुचित श्रम व्यवहार फॉलो किए जा रहे हैं या फिर उसको प्रैक्टिस में लाया जा रहा है यह राज्य का उत्तरदायित्व तो है कि वह देखे कि दोनों पक्षकारों में चाहे वह नियोक्ता हो चाहे वह कर्मचारी हो दोनों में से किसी भी पक्षकार की ओर से कोई अनुचित व्यवहार ना की जाए क्योंकि जब भी अनुचित व्यवहार होगा किसी उद्योग में तो वो अंततः औद्योगिक संबंध को प्रभावित करेगा वह औद्योगिक संबंध अगर प्रभावित होगा तो उत्पाद उत्पादन प्रभावित होगा और अंततः नियोक्ता का फिर कर्मचारी का और उपभोक्ता का सबके हितों पर प्रभाव पड़ेगा तो ऐसे संदर्भ में जो राज्य की भूमिका है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है राज्य को ये समझना चाहिए कि कैसे आ, किसी उद्योग में अनुचित श्रम व्यवहार को उसे रोकना है हम सभी जानते हैं कि सामान्यतः जो अनुचित श्रम व्यवहार की प्रवृत्ति का विकास हुआ यह विकास नियोक्ता के प्रभुत्व के कारण संपन्न हुआ अगर किसी उद्योग में नियोक्ता का प्रभुत्व कम है या नहीं है तो वहाँ पर नियोक्ता के की ओर से अनुचित श्रम व्यवहार हो ऐसा संभव नहीं प्रतीत होता है और हम यह भी जानते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य से पहले एक लेजिस्फेर स्टेट हुआ करता था जहाँ पर अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता था अहस्तक्षेप की नीति में राज्य के पास ये प्राधिकार नहीं था कि वो आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करे अर्थात उस समय जो भी पूंजीपति थे जो भी नियोक्ता के रूप में किसी उद्योग की स्थापना कर रहे हैं उनके पास एक एकाधिकार था कि वो अपने मामलों का खुद विनियमन करें और खुद अपने व्यवहारों को निर्धारित करें नियोक्ता के प्रभुत्व के स्वरूप ही अनुचित श्रम प्रथाओं का उदय होता है और और उद्योगों के संदर्भ में इसकी व्यापकता बढ़ती है अगर राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है और इन अनुचित श्रम प्रथाओं को नहीं रोकता है तो ऐसे में उद्योग में एक अशांति का माहौल होगा और उत्पादन प्रभावित होगा अनुचित श्रम व्यवहार प्रारंभ में अनुचित श्रम व्यवहार को विनिमित करने के लिए कोई केंद्रीय कानून भारत में नहीं था अनुचित प्रथाओं को विनियमित करने का कानून भारत में बहुत बाद में विकसित हुआ शुरुआत में ऐसा कोई कानून नहीं था पहली बार जो प्रयास किया गया था वह प्रयास किया गया था उन्नीस में जब ट्रेड यूनियन संशोधन अधिनियम पारित किया गया था ट्रेड यूनियन संशोधन अधिनियम में यह प्रयास किया गया था कि यह चिन्हित यह किया जाए कि कौन सा व्यवहार एक अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा इसके पश्चात जो दूसरा प्रयास भारत में किया गया अनुचित श्रम प्रथाओं को विनिमित करने के लिए वह उन्नीस में हुआ और जिसको हम अनुशासन संहिता के नाम से जानते हैं डिसिप्लिन कोड जो बना उस कोड में उस डिसिप्लिन कोड में उस संहिता में यह बताया गया कि नियोक्ता के पक्ष पर या फिर कर्मचारियों के कर्मगारों के पक्ष पर कौन से व्यवहार अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आ सकते हैं इस दिशा में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो योगदान रहा सोलहवें भारतीय श्रम सम्मेलन का जब सोलहवा भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया था तो उस सम्मेलन में जो एक एक बात निकल कर आई थी जो एक एक उसकी संस्तुति थी वह यह थी कि अनुचित श्रम व्यवहार को विनियमित करने से पहले उसको चिन्हित करने की आवश्यकता है पहले हम इस स्थिति में हों कि हम ये बता पाएं कि कौन से व्यवहार अनुचित श्रम व्यवहार हैं तभी हम उसका विनियमन कर पाएंगे अगर यह आ, आ, निर्धारित तो नहीं किया जा सकता कि कौन से व्यवहार अनुचित श्रम व्यवहार हैं तो ऐसी स्थिति में विनियमन का पूरा का पूरा प्रयास असफल होगा और अनुचित श्रम व्यवहार पर कोई लगाम नहीं लगाया जा सकेगा इसलिए इस सम्मेलन में यह बात निकल के आई कि सर्वप्रथम अनुचित श्रम प्रथाओं प्रथाओं को अनुचित श्रम व्यवहार को सूचीबद्ध किया जाए अगर हम न्यायालय के दृष्टिकोण को देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो जो 1950 में आया इस केस का नाम था एलेक्जेंडर जूट मील्स लिमिटेड बनाम उसके कर्मगार इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुचित श्रम व्यवहार को गलत माना और इसे गलत इरादे से मनमाने ढंग से या कठोरता के साथ दिए गए किसी भी आदेश के रूप में चिन्हित किया जब भी नियोक्ता मनमाने ढंग से या कठोर ढंग से कोई आदेश पारित करता है तो ऐसा आदेश एक अनुचित श्रम व्यवहार बन सकता है नियोक्ता को एम्प्लॉयर को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वह कोई आदेश पार पारित कर रहे हैं जब भी वो कोई निर्णय ले रहे हैं तो वह निर्णय मनमाने ढंग से ना हो वह निर्णय एक युक्त युक्त निर्णय की श्रेणी में हो तथा साथ ही साथ उस निर्णय में अत्यंत कठोरता ना हो अर्थात नियोक्ता कर्मचारियों के 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 विपरीत बहुत बहुत कठोर निर्णय ना ले अगर ऐसा करता है तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह एक अनुचित श्रम व्यवहार होगा अनुचित श्रम व्यवहार को परिभाषित करने और प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान भारत में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में बनाया महाराष्ट्र राज्य ने 1971 में तो विधि बनाई और उसके माध्यम से सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम अनुचित श्रम व्यवहार को परिभाषित करने का और साथ ही साथ उसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया इसके पश्चात अगर हम भारत में प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की बात करें जिसने अपनी संस्तुति उन्नीस तो में भारत सरकार को सौंपी थी उस संस्तुति में राष्ट्रीय श्रम आयोग का भी यह मानना था कि हमको सबसे पहले अनुचित श्रम व्यवहार को सूचीबद्ध करना पड़ेगा जब तक हम अनुचित श्रम व्यवहार को सूचीबद्ध नहीं कर पाएंगे तब तक हम ऐसे में अनुचित श्रम व्यवहार को विनियमित नहीं कर पाएंगे साथ ही साथ जो राष्ट्रीय श्रम आयोग था उसने यह भी अनुशंसा की कि एक बार अनुचित श्रम व्यवहार अग... सुचिबद्ध हो जाने के बाद उसके लिए पर्याप्त दंड को भी परिभाषित किया जाए अनुचित श्रम व्यवहार का चिन्हित किया जाना और उसके लिए दंड निर्धारित किया जाना अगर ये दो 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 प्रयास किए जाते हैं तो भारत में अनुचित प्रथाओं का विनियमन आसानी से किया जा सकता है इसे रोका जा सकता है और इसके जो जो एक नकारात्मक प्रभाव उद्योगों के उत्पादन पर पड़ता है उससे बचा जा सकता है अनुचित श्रम व्यवहार को विनिमित करने के लिए राष्ट्रीय श्रम आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए अंततः भारत सरकार ने भारतीय पार्लियामेंट ने औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम उन्नीस पारित किया और इसके माध्यम से अनुचित श्रम व्यवहार को एक एक दंड दंडनीय अपराध बनाया गया इस संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया कि नियोक्ता कर्मकार या ट्रेड यूनियन कोई भी अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा तो ये जो उपबंध बनाया गया ये नियुक्ता और कर्मकार या उनके ट्रेड यूनियन सबके लिए बनाया गया और ये प्रावधान आपको औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस की धारा 25 टी में मिलेगा जो कहता है कि कोई नियोक्ता या कोई कर्मचारी या फिर इनका कोई ट्रेड यूनियन चाहे वो नियोक्ता का ट्रेड यूनियन हो चाहे वो कर्मचारी का ट्रेड यूनियन है वो कोई भी अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा इसके साथ ही साथ इस संशोधन के द्वारा धारा पच्चीस यू में यह भी बताया गया कि अगर कोई भी नियोक्ता या कोई कर्मचारी या फिर कोई ट्रेड यूनियन इनका कोई ट्रेड यूनियन अनुचित श्रम व्यवहार करता है तो ऐसी दशा पे दशा में उस पर दंडित किया जाएगा और ये दंड होगा एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना या फिर छः महीने तक की कैद या फिर दोनों तो अतः उन्नीस में संशोधन के माध्यम से औद्योगिक विवाद अधिनियम में ये प्रावधान कर दिए गए कि कोई भी नियोक्ता कोई भी कर्मचारी या फिर कोई भी ट्रेड यूनियन कोई भी अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा और अगर कोई भी नियोक्ता कर्मचारी या फिर ट्रेड यूनियन अनुचित श्रम व्यवहार करता है तो ऐसी दशा में उसे दंडित किया जाएगा और दंड की मात्रा भी निर्धारित की गई एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना या फिर छः महीने तक की कैद या दोनों लेकिन इसके साथ ही साथ हमें एक और विकास पर भी ध्यान देना चाहिए अन्यथा यह पूरा का पूरा प्रयास असफल होगा और वह प्रयास था पांचवी अनुसूची का बनाया जाना इस संशोधन के माध्यम से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में एक अनुसूची भी जोड़ी गई जिसे पांचवी अनुसूची कहते हैं और इस पांचवी अनुसूची में नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों द्वारा और उनके ट्रेड यूनियन द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार को सूचीबद्ध किया गया अर्थात उन्नीस आते आते भारत में तीन तरह का का डेवलपमेंट हुआ उस संशोधन के माध्यम से तीन तरह का डेवलपमेंट हुआ पहला कि हमने अनुचित श्रम व्यवहार करने वालों को दंड देने का प्रावधान बनाया हमने दंड की सीमा निश्चित की और उसके साथ ही साथ हमने यह भी चिन्हित कर लिया कि कौन से व्यवहार अनुचित श्रम व्यवहार हैं जिसकी जिसकी अनुशंसा श्रम पर प्रथम राष्ट्रीय आयोग ने उन्नीस में की थी अब अगर हम विस्तृत में ये चर्चा करें कि कौन से व्यवहार अनुचित श्रम व्यवहार हैं तो इस विषय को समझने में थोड़ी सहूलियत होगी थोड़ी आसानी होगी तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की जो अनुसूची पाँच है जो कि 1982 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है उस अनुसूची में सर्वप्रथम नियोक्ता के द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार नियोक्ता या उसके ट्रेड यूनियन के द्वारा अनुच, अनुचित श्रम व्यवहार तत्पश्चात कर्मचारी या फिर उसके ट्रेड यूनियन के द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार की चर्चा की गई है हम इन इन अनुचित श्रम व्यवहारों को क्रमवार समझने का प्रयास करेंगे सर्वप्रथम हम अनुसूची पाँच के भाग एक को देखेंगे जो कि नियोक्ताओं द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार की बात करता है यह कहता है कि किसी ट्रेड यूनियन को संगठित करने में उसको बनाए रखने में इसको प्रबंधन में शामिल करने में सहायता या सामूहिक सौदेबाजी में शामिल होने के अधिकार में हस्तक्षेप करना इसे रोकना या जबरदस्ती करना एक अनुचित श्रम व्यवहार होगा तो अब अब यहाँ पर आ, दो दो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं पहला कि ऐसा कोई भी व्यवहार अगर नियोक्ता के द्वारा किया जा रहा है जो कर्मचारियों को अपना संगठन बनाने अपना ट्रेड यूनियन बनाने और ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में हस्तक्षेप करता है उसे रोकता है या फिर किसी तरह की ज़बरदस्ती करता है तो ऐसे में एक तो आप जो सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया है उसको कमज़ोर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अनुचित श्रम व्यवहार में भी शामिल हो रहे हैं तो ऐसी दशा में इस अनुसूची में यह कहा गया है कि ट्रेड यूनियन में शामिल होने पर कामगारों को बर्खास्त या उसकी धमकी देना एक अनुचित श्रम व्यवहार होगा अर्थात कोई भी नियोक्ता अपने किसी भी कर्मचारी को केवल इस आधार पर नियोजन से नहीं हटा सकता उससे बर्खास्त नहीं कर सकता कि उसका जो कर्मचारी है वह किसी किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता ले रहा है और वैसे भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद उन्नीस सौ के तहत किसी भी संघ का सदस्य बनना किसी व्यक्ति का भारत में किसी 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 नागरिक का भारत में ए, एक एक मूलभूत अधिकार है आप इसे छीन नहीं सकते तो अगर नियोक्ता किसी एक कर्मचारी को किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने से रोकता है और उसके आधार पर उसको अपने नियोजन से निकालता है बर्खास्त करता है तो यह है एक अनुचित श्रम व्यवहार होगा इसी के साथ ही ट्रेड यूनियन के संगठित होने पर तालाबंदी या बंद की धमकी देना भी एक अनुचित श्रम व्यवहार है अगर नियोक्ता यह कहता है कि ओ, उसके उद्योग में जितने भी नियोजित कर्मचारी हैं वो अपना कोई ट्रेड यूनियन नहीं बनाएंगे या फिर किसी ट्रेड यूनियन में शामिल नहीं होंगे तो ऐसा और ये भी धमकी देना कि अगर ट्रेड यूनियन बनाते हैं ट्रेड यूनियन में शामिल होते हैं तब हम उस उद्योग में तालाबंदी करेंगे उद्योग को बंद करेंगे तो ऐसे में वहाँ पर एक अनुचित श्रम व्यवहार उत्पन्न होगा इसके अतिरिक्त ट्रेड यूनियन के संगठन के प्रयासों को कमज़ोर करने की दृष्टि से कामगारों को वेतन वृद्धि देना अगर कर्मचारियों को इस उद्देश्य के साथ वेतन वृद्धि दिया जाए कि वह किसी ट्रेड यूनियन के सदस्य ना बने अर्थात कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लालच देकर के या वेतन वृद्धि देकर के उन्हें ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने से रोकना और इस तरह से ट्रेड यूनियन को कमजोर बनाने का जो प्रयास होगा यह प्रयास भी एक अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा और इसके लिए नियोक्ता को दंड का भागी होना पड़ेगा दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए या फिर हस्तक्षेप करने के लिए या फिर वित्तीय अन्य प्रकार से समर्थन देना अगर नियोक्ता कर्मचारियों के किसी ट्रेड हम सभी जानते हैं कि नियोक्ता का अपना ट्रेड यूनियन हो सकता है कर्मचारी का अपना ट्रेड यूनियन अगर नियोक्ता कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन पर अपना प्रभुत्व रखना चाहता है और उसके लिए वह उसके प्रबंधन में हस्तक्षेप करता है और उसे वित्तीय सहायता प्रदान करता है और यह वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य केवल और केवल उस पर अपना अधिकार स्थापित प्राधिकार स्थापित करना है तो ऐसी स्थिति में अनुचित श्रम व्यवहार गठित होगा नियोक्ता का कामगारों के ट्रेड यूनियन को संगठित करने में सक्रिय रुचि लेना जाहिर सी बात है अगर कर्मचारियों को ये अधिकार दिया गया है कि वह अपना ट्रेड यूनियन बना सकते हैं तो फिर नियोक्ता उसमें बहुत रुचि क्यों दिखा रहा है नियोक्ता को उसमें रुचि लेने की आवश्यकता नहीं है कर्मचारियों को अपना ट्रेड यूनियन बनाने उसके नीति को निर्धारित करने के लिए आप स्वतंत्र रखिए उसमें आप हस्तक्षेप न करें जब भी नियोक्ता ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के संघ में कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन में हस्तक्षेप करता है तो उसका केवल और केवल उद्देश्य उस ट्रेड यूनियन पर एक वर्चस्व स्थापित करना होता है इसी के साथ नियोक्ता किसी एक ट्रेड यूनियन को ट्रेड यूनियन को लाभ देकर पक्षपात अगर करता है तो यह भी एक अनुचित श्रम व्यवहार होगा नियोक्ता को पता है कि उसके उद्योग में दो तीन चार ट्रेड यूनियन हैं उसमें से कुछ ऐसे ट्रेड यूनियन हैं जो कि नियोक्ता के के, के सिद्धांतों को उसके आदर्शों को उसके विचारों से सहमत हैं और, और कुछ ऐसे ट्रेड यूनियन हैं जो नियोक्ता के विचारों सिद्धांतों व्यवहारों से सहमत नहीं है ऐसे में नियोक्ता के द्वारा यह प्रयास किया जा सकता है कि वह ट्रेड यूनियन जो उसके विचारों से सहमत है जो उसके कार्यप्रणाली से सहमत है वह मजबूत बने और इसके लिए वह ऐसे ट्रेड यूनियन को एक आर्थिक लाभ दे सकता है तो आर्थिक लाभ दे करके अपने पसंद के ट्रेड यूनियन को मजबूत बनाना और साथ में जो दूसरा ट्रेड यूनियन है उसे कमज़ोर बनाना भी एक अनुचित श्रम व्यवहार माना जाए इसके पश्चात श्रमिकों के नियोक्ता प्रायोजित ट्रेड यूनियन की स्थापना करना श्रमिकों के नियोजा नियोक्ता प्रायोजित ट्रेड यूनियन की स्थापना करना अगर अगर श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है वो अपना ट्रेड यूनियन बना रहे हैं तो इसमें नियोक्ता को शामिल होने की आवश्यकता नहीं है अगर नियोक्ता इसमें शामिल होता है और इसको प्रायोजित करता है सपोर्ट करता है और नियुक्ता के सपोर्ट से श्रमिक अपना संघ बनाते हैं तो ऐसे में जो नियोक्ता है उसका उद्देश्य उस आ, ट्रेड यूनियन में हस्तक्षेप करना या फिर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना हो सकता है और इसे एक अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा इसी के साथ ही किसी श्रमिक के साथ भेदभाव करके ट्रेड यूनियन की सदस्यता को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करना अगर नियोक्ता किसी एक ट्रेड यूनियन जो उसके विचारों से अभ्यासों से प्रणाली कार्य प्रणाली से सहमत है उसको बढ़ावा देना चाहता है अन्य ट्रेड यूनियन को वह हतोत्साहित करना चाहता है और इसके लिए वह श्रमिकों के साथ भेदभाव करता है भेदभाव करके ट्रेड यूनियन की सदस्यता को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है तो इसे भी एक अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा ट्रेड यूनियन में शामिल होने के लिए आग्रह करने के लिए किसी कामगार को बर्खास्त करना या दंडित करना अगर नियोक्ता कर्मचारियों से ये आग्रह करे कि कर्मचारी किसी एक ट्रेड यूनियन के सदस्य बने और अगर ऐसे आग्रह को कर्मचारी नहीं मानते हैं तो इस आधार पर कर्मचारी को बर्खास्त करना या ऐसे कर्मचारी को दंडित करना वास्तव में एक अनुचित श्रम व्यवहार है अगर अगर इसे अनुचित श्रम व्यवहार ना माना जाए तो ढेर सारे कर्मचारियों को केवल इस कारण से अपने नियोजन से हटाया जाएगा कि उन्होंने नियोक्ता की बात न मान करके उनके पसंद के ट्रेड यूनियन की सदस्यता नहीं ली या फिर किसी अन्य ट्रेड यूनियन की सदस्यता को उन्होंने ग्रहण कर लिया हड़ताल में भाग ले, भाग लेने के लिए किसी कर्मचारी को बर्खास्त करना अब जो हड़ताल है हड़ताल हम सभी जानते हैं कि एक आर्थिक दबाव का माध्यम है और हड़ताल का अधिकार कर्मचारियों को प्राप्त है इसके माध्यम से कर्मचारी अपने नियोक्ता के विरुद्ध एक दबाव एक आर्थिक दबाव बनाने में सक्षम होते हैं और अपनी मांगों को पूरा कराने में सक्षम होते हैं हालांकि भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस के जो प्रावधान हैं हड़ताल से संबंधित उन प्रावधानों का फॉलो किया जाना उनका अनुसरण किया जाना आवश्यक है तभी एक हड़ताल विधिक हड़ताल होता है अतः अदर अतः ऐसी परिस्थिति में अगर किसी कर्मचारी को हड़ताल में भाग लेने के लिए बर्खास्त किया जाता है नियोक्ता के द्वारा तो नियोक्ता के द्वारा यह एक अनुचित व्यवहार किया जा रहा है जो विधिक अधिकार मिला हुआ है कर्मचारियों को आप उनके विधिक अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते उसे आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते इसके साथ ही साथ अपने पसंद के कर्मचारियों को मैनेजमेंट में प्रतिनिधित्व देने के लिए जो वरिष्ठता की लिस्ट है रेटिंग है उसे चेंज करना भी एक तरह से अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा सामान्यतः यह जाता है कि कि मैनेजमेंट अपने पसंद के कर्मचारियों कर्मकारों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्हें आ, उद्योग के प्रशासन में उसके प्रबंधन में शामिल करने के लिए कभी कभी उस वरिष्ठता के लिस्ट को भी सूची को भी परिवर्तित कर देता है ऐसा किया जाना भी अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा इसके साथ ही साथ कर्मचारियों को उच्च पदोन्नति देने से इनकार करना अगर कोई कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों के अधीन किसी उच्च पद के लिए आ, योग्य है और 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 उस शर्तों को पूरा करता है और उसे वह पदोन्नति मिलनी चाहिए तो ऐसे में उसे पदोन्नति देने से इनकार करना भी एक तरह का अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा किसी भी नियोक्ता को ऐसे अनुचित श्रम व्यवहार से बचना चाहिए हम ये देख रहे हैं कि ये जो भी यहाँ पर व्यवहार है जिसको अनुचित श्रम व्यवहार की सूची में सम्मिलित किया गया है आ, अनुसूची पाँच के भाग एक में नियुक्ता के आ, की ओर से अनुचित श्रम व्यवहार ऐसे श्रम व्यवहारों का एक एक नकारात्मक प्रभाव कर्मचारियों के हितों पर पड़ रहा है तो यहाँ पर कर्मचारियों के हितों की संरक्षा करने के लिए उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर अनुचित श्रम व्यवहार को विनियमित करने इसे रोकने और दंडित करने की आवश्यकता है इसी के साथ ही कर्मियों को कर्मचारियों को बिना योग्यता के प्रोन्नति देना भी एक अनुचित श्रम व्यवहार है हम सभी जानते हैं जब भी कोई उद्योग स्थापित किया जाता है तो वह उद्योग किसी किसी लोक कल्याण के लिए स्थापित नहीं किया जाता है उस उस उद्योग को स्थापित करने के पीछे का जो उद्देश्य होता है वो केवल और केवल आर्थिक उद्देश्य होता है अगर किसी नियोक्ता का आर्थिक उद्देश्य है किसी उद्योग का आर्थिक हित है और आप उस आर्थिक हित के विरुद्ध जा करके किसी कर्मचारी को बिना योग्यता के प्रोन्नति दे रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि आप लोक कल्याण का काम कर रहे हैं इसका तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ कि आप वहाँ पर एक पर्टिकुलर कर्मचारी को पदोन्नति देकर के उसको प्रतिनिधित्व में शामिल करके प्रबंधन में शामिल करके उसे व्यक्तिगत रूप से लाभ देना चाहते हैं और आप वहाँ पर जो कर्मचारी प्रदोन्नति के लिए में योग्य पाए गए थे उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो इस तरह की प्रवृत्ति भी एक अनुचित श्रम व्यवहार की प्रवृत्ति मानी जाएगी इसी के साथ ही कर्मियों के ट्रेड यूनियन की ताकत को कमज़ोर करना बार बार हम आ, बात पर फोकस कर रहे हैं कि जब भी ट्रेड यूनियन बनाया जाता है कर्मचारियों के द्वारा तो कर्मचारियों के द्वारा यह ट्रेड यूनियन अपनी सामूहिक मांग को रखने के लिए बनाया जाता है जिसे हम सामूहिक सौदेबाजी के रूप में जानते हैं सामूहिक सौदेबाजी वह माध्यम है जिसके जिस जिस जिसका उपयोग करके कर्मचारी और उनका संगठन नियोक्ता जो कि एक मजबूत पक्षकार है उसके समक्ष अपनी मांगों को रख पाते हैं उसे मनवा पाते हैं और अपने हितों की सुरक्षा कर पाते हैं तो ऐसे में अगर एक नियोक्ता कर्मियों के कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन की ताकत को कमजोर करने का प्रयास करता है तो ऐसा हर एक प्रयास एक अनुचित श्रम व्यवहार होगा इसके पश्चात पदाधिकारियों या सक्रिय सदस्यों के कार्य का निर्वहन करना जो कोई भी पदाधिकारी है ट्रेड यूनियन का या फिर सक्रिय सदस्य है उनके कार्य का निर्वहन करना भी एक तरह से अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा आप ऐसे पदाधिकारियों या सक्रिय सदस्यों का कार्य करके उनसे एक 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 पक्षपात की उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपका पक्ष लेंगे या फिर आपके पक्ष में निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। आप उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा एक प्रयास भी अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा इसके पश्चात कर्मियों को सेवा मुक्त करना या बर्खास्त करना एक बार नियोजन में आने के बाद नियोक्ता के पास यह पूर्ण अधिकार नहीं है कि वह अपने कर्मचारी को या तो बर्खास्त कर दे या तो सेवा मुक्त कर दे किसी कर्मचारी का बर्खास्त किया जाना किसी कर्मचारी का सेवा मुक्त किया जाना सेवा की शर्तों के अधीन आता है जो जो नियोजन की संविदा हुई है उस संविदा के अधीन बर्खास्तगी या सेवा मुक्ति की जा सकती है अन्यथा वह सेवा मुक्ति या फिर ऐसी बर्खास्त बर्खास्तगी भी एक अनुचित श्रम व्यवहार होगी ऐसे में किसी कभी कभी नियोक्ता के द्वारा उत्पीड़न के माध्यम से किसी कर्मचारी को इतना उत्पीड़ित किया जाता है कि वह अपना नियोजन छोड़ के चला जाए या फिर नियोक्ता के अधिकारों के प्रयोग के आरोप में यह आरोप कि कर्मचारी ने नियोक्ता के अधिकारों का प्रयोग किया ऐसा एक गलत आरोप लगा करके के एक झूठा आरोप लगा करके के कर्मचारी को सेवा मुक्त करना या बर्खास्त करने का प्रयास किया जाता है तो यह भी एक अनुचित श्रम व्यवहार है इसके पश्चात झूठे सबूतों के आधार पर किसी कर्मचारी को आपराधिक मामले में फंसा करके अगर कोई कर्मचारी है या फिर ट्रेड यूनियन का कोई बहुत ही सक्रिय सदस्य है और वह सदस्य या फिर वह कर्मचारी नियोक्ता के लिए एक समस्या बना हुआ है क्योंकि वह लोगों को एकजुट कर रहा है अपनी मांगों के लिए सजग है वह नियुक्ता के जो जो कार्य प्रणाली है उस पर प्रश्न लगाता है ऐसे में ऐसे किसी कर्मचारी को यदि नियुक्ता द्वारा झूठे आधार पर आपराधिक मामलों में फंसाया जाता है तो ऐसा करना भी एक अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा इसके बाद ऐसा फंसाया जाना आपराधिक मामले में फसाया जाना बिल्कुल झूठे कारणों से है जिसका कोई कारण नहीं जिसका कोई औचित्य नहीं है या तो फिर बिना छुट्टी के अनुपस्थिति के असत्य आरोप पर आरोप यह लगाया जाता है कि बिना छुट्टी के वह कर्मचारी आ, आ, छुट्टी पर चला गया था उसने उसके लिए आ, अनुमति नहीं ली थी इस आधार पर उसके अगेंस्ट एक एक आपराधिक मामला संचालित करना या फिर घरेलू जांच के संचालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की घोर अपेक्षा करना जब भी नियोक्ता अपने किसी प्रतिष्ठान में कहीं कहीं ऐसी कोई जांच कर रहा है कोई ऐसा घरेलू जांच कर रहा है जहां पर या तो विवाद का विषय या फिर किसी मतभेद का विषय है या फिर किस किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई आरोप लगा हुआ है तो ऐसे समय नियोक्ता को यह या याद रखना चाहिए कि नियोक्ता को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से तात्पर्य है अगर हम उसके एक भाग को यहाँ पर लें तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर नियोक्ता के द्वारा अगर किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई आरोप लगाया गया है तो उस आरोप की पूर्व सूचना कर्मचारी को दी जानी चाहिए अगर उस कर्मचारी को पर्याप्त सूचना नहीं दी जाएगी तो वह कर्मचारी अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं होंगे। या फिर अगर प्राकृतिक न्याय के दूसरे सिद्धांत को यहाँ पर हम देखें तो प्राकृतिक न्याय का दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि अगर दो विवादों दो पक्षकारों के बीच में विवाद है तो उसमें से जो दो पक्षकार हैं वह आपस में एक एक न्यायाधीश की भूमिका में नहीं हो सकता अर्थात अगर कोई विवाद नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में है कोई मतभेद नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में है और ऐसे में नियोक्ता खुद अपने मामले में न्यायाधीश की भूमिका में होता है और वह हमेशा और हमेशा कर्मचारी को गलत ठहरा रहा है तो यह भी एक अनुचित व्यवहार होगा अनुचित श्रम व्यवहार होगा और यह अनुचित श्रम व्यवहार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को न पालन करने के कारण उत्पन्न होगा इसके साथ ही साथ कदाचार के लिए जिसके पढ़ान असंगत सज़ा हो सकती है उसके आधार पर भी अगर अगर किसी कर्मचारी को दंडित कराया जा रहा है या उसके अगेंस्ट कोई विरुद्ध कोई आपराधिक मामला प्रारंभ किया जा रहा है तो वहाँ पर अनुचित श्रम व्यवहार का एक एक परिस्थिति बनेगी इसी के साथ ही हड़ताल तोड़ने के उपाय के रूप में नियमित प्रकृति के काम को खत्म करके ठेकेदार को काम देना हम सभी जानते हैं कि जब कर्मचारी किसी मांग को पूरा करवाने के लिए अपने नियुक्ता पर आर्थिक दबाव डालने के लिए कोई हड़ताल करते हैं तो ऐसे हड़ताल के दौरान उस उद्योग में काम पूरी तरह से बंद हो जाता है या तो काम प्रभावित होता है और अंततः उत्पादन प्रभावित होता है अगर नियुक्ता यह कहता है कि ठीक है जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर रहें और दूसरी तरफ उनका जो कार्य था उसको स्वतंत्र ठेकेदारों के माध्यम से कराया जा रहा है तब यह माना जाएगा कि नियोक्ता के द्वारा एक अनुचित श्रम व्यवहार फॉलो किया जा रहा है अनुचित श्रम व्यवहार किया जा रहा है जिस मांग को पूरा कराने के लिए कर्मचारियों ने हड़ताल किया था उस मांग को अप्रभावी बनाने के लिए नियोक्ता ने उन कार्यों को स्वतंत्र ठेकेदारों को सौंप दिया नियोक्ता का कार्य नहीं रुक रहा है नियोक्ता को कोई आर्थिक हानि नहीं हो रही है ऐसे में नियोक्ता चाहेगा कि अगर अगर कर्मचारी लंबे समय तक भी हड़ताल पर बैठे रहते हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है उससे कोई परेशानी नहीं है इस स्थिति में सारा का सारा जो बुरा प्रभाव पड़ेगा वह कर्मचारियों के हितों पर पड़ेगा तो ऐसा करना भी हड़ताल के दौरान जो नियमित प्रकृति के रेगुलर प्रकृति के कार्य हैं उन कार्यों का एक स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा कराया जाना भी एक एक अनुचित व्यवहार बनेगा इसके बाद अगर हम देखें तो प्रबंधन नीति का पालन करने की आड़ में किसी कर्मचारी को दुर्भावनापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करना अगर एक कर्मचारी को नियोक्ता के द्वारा एक एक प्रतिष्ठान से दूसरे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित किया जा रहा है और और उसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि ऐसे स्थानांतरण का जो जो कारण है वह कारण है कि कर्मचारी प्रबंधन नीति का पालन नहीं कर रहा है तो प्रबंधन नीति का पालन करना न पालन करना पालन नहीं कर रहा तो उसके लिए दंड की व्यवस्था हो सकती है लेकिन उसके आधार पर आप किसी का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर रहे हैं तो ये अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आ सकता है सामान्यतः तो देखा या जाता है कि जब एक कर्मचारी किसी नियोक्ता के लिए समस्या पैदा करता है और और नियुक्ता उसको काम से निकाल नहीं पाता है जो सेवा की शर्तें हैं उसके अधीन वह उसे निकाल नहीं पाता है तब क्या करता है कि उसे एक स्थापना से दूसरी स्थापना में आ, उसको स्थानांतरित कर देता है और इस स्थानांतरण के माध्यम से उसे एक दूरी बनाना चाहता है ऐसी स्थिति में स्थानांतरण का उद्देश्य केवल और केवल उस कर्मचारी के जायज़ मांगों को उसके द्वारा उठाए गए प्रश्नों को ना देने से बचने के लिए होता है तो यह भी एक अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आता है इसके पश्चात कानूनी हड़ताल पर चल रहे कामगारों को काम फिर से शुरू करने की अनुमति देने के पूर्व के पूर्व शर्त के रूप में अच्छे आचरण के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने पर जोर देना अगर किसी जायज़ मांग के लिए कर्मचारियों का समूह उनका ट्रेड यूनियन हड़ताल पर है और नियुक्ता वहाँ पर एक उपबंध बनाता है कि ठीक है हम आपकी मांग पूरा करते हैं हम आपकी मांग पूरा करते हैं और उसके पश्चात आप काम पर वापस आ जाइए और यह भी कहता है कि आप एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर कीजिए कि भविष्य में आप हड़ताल नहीं करेंगे तो आप भविष्य में हड़ताल ना करने के लिए अगर कर्मचारियों से किसी बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं तो आप उस हस्ताक्षर के माध्यम से कर्मचारियों को उनके विधिक अधिकार को उपयोग करने से रोक रहे हैं अगर ऐसा कोई नियोक्ता कर रहा है तो वह भी एक अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा इसके पश्चात योग्यता की परवाह किए बिना श्रमिकों के एक समूह के प्रति पक्षपात दिखाना अगर अगर हम उद्योग में औद्योगिक लोकतंत्र की बात करें या फिर औद्योगिक संबंध की बात करें तो औद्योगिक संबंध अच्छा तभी हो सकता है जब नियोक्ता के द्वारा पक्षपात न किया जाए एक उद्योग में औद्योगिक लोकतंत्र तभी हो सकता है जब सारे कर्मचारियों को एक स्तर पर एक समान देखा जाए उनके साथ एक व्यवहार किया जाए तो कभी कभी श्रमिकों के समूह के प्रति पक्षकार दिखाने के 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 द्वारा भी जो नियुक्ता है वह एक अनुचित श्रम व्यवहार गठित करता है और अनुचित श्रम व्यवहार करने का दोषी पाया जाता है इसके पश्चात हड़ताल के दौरान कामगारों की भर्ती करना जो कि अवैध हड़ताल नहीं है अगर हड़ताल के दौरान हड़ताल के दौरान जो कि एक जायज़ मांग के लिए एक विधिक मांग के लिए हड़ताल की गई है और नियोक्ता कर्मचारियों के हितों का ध्यान न रख करके वह केवल अपने हितों का ध्यान रखता है और अपने उत्पादन को बाधित न हो इसके लिए अल और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ता है तो ऐसा किया जाना भी एक अनुचित श्रम व्यवहार होगा दूसरी तरफ वो कर्मचारी हैं जो किसी जायज़ मांग के लिए हड़ताल पर बैठे हैं उनका हड़ताल एक विधिक हड़ताल है उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस सौ सैंतालीस की सभी पूर्व पूर्वक्षाओं को का पालन किया हुआ है और दूसरी तरफ आप उनके हितों को ध्यान में न रख करके केवल अपने हितों के लिए आप फिर से नई नियुक्ति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो यह भी एक अनुचित श्रम व्यवहार होगा इसी के साथ ही साथ बल या हिंसा के कृत्यों में शामिल होना अगर नियोक्ता के द्वारा अगर अगर आपराधिक बल का यूज किया जा रहा है या हिंसा में शामिल हो रहा है नियोक्ता या उसका कोई एक एम्प्लॉयी तो ऐसे में इसे अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा अर्थात ये उम्मीद की जाती है कि उद्योगों में नियोक्ता के की तरफ से कोई हिंसा नहीं की जाएगी या किसी आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा इसके बाद ही श्रमिकों को बदली आकस्मिक या अस्थायी रूप से नियुक्ति करना और उन्हें स्थायी श्रमिकों की स्थिति और विशेष वंचित करने के उद्देश्य वर्षों तक उसी तरह जारी रखना अगर नियुक्ता कर्मचारियों की नियुक्ति तो करता है लेकिन उन्हें केवल एक बदली या फिर आकस्मिक या फिर अस्थायी कर्मचारी के रूप में रखता है उसे पता है कि अगर इन कर्मचारियों को हम स्थाई कर्मचारी के रूप में रखेंगे तो इन्हें स्थायी कर्मचारियों के सारे विशेषाधिकार प्राप्त होंगे सारे अधिकार प्राप्त होंगे सारे सुविधाएं प्राप्त होंगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए और और अपने खर्च को कम करने के लिए नियोक्ता जानबूझ के केवल और केवल बदली आ, या फिर आकस्मिक या फिर अस्थाई रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति करता है तो यह नियुक्ति करना भी अपने आप में एक अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा इसके पश्चात औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी भी जांच या कार्यवाही में किसी नियुक्ता के खिलाफ आरोप दायर करने या फिर गवाही देने के लिए किसी कामगार को बर्खास्त करना या भेदभाव करना अगर उद्योग के भीतर कोई घटना हुई है कोई घटना दुर्घटना हुई है जिसके कारण नियोक्ता के विरुद्ध कोई जांच की कार्यवाही चल रही है और उस जांच की कार्यवाही में आ, कोई कोई आ, कर्मचारी है कोई कर्मगार है जो कि एक एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होता है एक सबूत के रूप में आता है और वह नियोक्ता के नियोक्ता के खिलाफ अपनी गवाही देता है नियुक्ता के नियोक्ता के खिलाफ़ कोई आरोप दायर दायर करता है तो ऐसी स्थिति में केवल आरोप दायर करने या नियोक्ता के विरुद्ध गवाही देने के आधार पर अगर किसी कामगार को बर्खास्त किया जाता है या उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो ऐसा बर्खास्त किया जाना या भेदभाव किया जाना भी एक अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा इसी के पश्चात पुरस्कार निपटान या समझौते को लागू करने में विफलता अगर मध्यस्थ बोर्ड के द्वारा मध्यस्थ कोई अवार्ड पास किया गया है कोई पुरस्कार पारित किया गया है अवार्ड पारित किया गया है और नियोक्ता उसको लागू करने में विफल रहा हुआ है तो इसे भी एक अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा इसके पश्चात मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के साथ अच्छे विश्वास में सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने से इनकार करना भी एक अनुचित श्रम व्यवहार है यह यह बिंदु बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि नियोक्ता को पता है कि एक रजिस्टर्ड ए पंजीकृत ट्रेड यूनियन है और वह पंजीकृत ट्रेड यूनियन कर्मचारियों का एक एक मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि है और वह प्रतिनिधि कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को प्रस्तुत करता है और अपनी मांगों को मंगवाने के लिए दबाव डालता है और ऐसी स्थिति में नियोक्ता जानबूझकर ऐसे किसी ट्रेड यूनियन से सौदेबाजी करने से इनकार करता है उससे पता है कि ऐसे किसी ट्रेड यूनियन से हम सौदेबाजी करेंगे तो इस यूनियन का दबाव हम पे हावी होगा और हमें उनकी मांगों को मानना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए यदि मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के साथ अच्छे विश्वास में सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने से इनकार किया जाता है तो ऐसा इनकार किया जाना भी एक अनुचित श्रम व्यवहार होगा इसके पश्चात इस अधिनियम के तहत तालाबंदी का प्रस्ताव करना या जारी रखना भी एक एक तरह का आ, औद्योगिक श्रम व्यवहार है होता यह है कि नियोक्ता अगर अगर उनकी मांगों से कर्मचारियों के मांगों से या फिर उनके द्वारा आयोजित की गई हड़ताल से आ, 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 प्रभावित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसका यह निर्णय हो सकता है कि वह उद्योग में तालाबंदी लागू कर देगा उद्योग को बंद कर देगा और ऐसा बंद करने का निर्णय केवल और केवल कर्मचारियों के दबाव के कारण हो रहा है तब यह माना जाएगा कि यहाँ पर नियोक्ता के द्वारा यह निर्णय एक एक औद्योगिक अनुचित श्रम व्यवहार का, का उदाहरण है इस तरह हम देखते हैं कि अनुसूची पाँच के भाग वन में ढेर सारी ऐसी व्यवहारों को सूचीबद्ध किया गया है जो सामान्यतः नियोक्ता के द्वारा व्यवहार में लाया जाता है और ऐसे व्यवहारों को यहाँ पर अनुचित श्रम व्यवहार के श्रेणी में रखा गया है सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि किसी उद्योग में जो अनुचित श्रम व्यवहार करने की प्रवृत्ति है अनुचित श्रम व्यवहार ज़्यादातर नियोक्ता के पक्ष में ही किया जाता है नियोक्ता के द्वारा ही किया जाता है तो ऐसे में इस 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 अनुसूची में नियोक्ता के द्वारा ढेर सारे व्यवहारों को सूचीबद्ध किया गया है और उसे अनुचित श्रम व्यवहार माना गया है इसके पश्चात हम आते हैं अनुसूची पांच के भाग दो पर और अनुसूची पांच का भाग दो कर्मकार और उसके ट्रेड यूनियन की ओर से अनुचित श्रम व्यवहार की बात करता है कर्मकार और उनके ट्रेड यूनियनों की तरफ से अर्थात यह बात यहाँ पर तय हो जाती है सिद्ध हो जाती है कि किसी उद्योग में एक अनुचित श्रम व्यवहार का किया जाना केवल नियोक्ता के द्वारा नहीं होता है यह कर्मचारियों और उनके ट्रेड यूनियनों के द्वारा भी किया जा सकता है और हम सामान्य जानते हैं कि अगर ट्रेड यूनियन बहुत मजबूत है उसकी सामूहिक सौदेबाजी की जो परिस्थिति है वह बहुत मजबूत हो तो ऐसी स्थिति में वह ट्रेड यूनियन भी अनुचित श्रम व्यवहार करने की प्रवृत्ति रख सकता है ऐसे में अनुसूची पाँच के भाग दो में कुछ कुछ व्यवहार को सूचीबद्ध किया गया है और हम उन व्यवहारों को समझने और जानने का प्रयास करेंगे इस अधिनियम के तहत अवैध मानी जाने वाली किसी भी हड़ताल को सलाह देना या सक्रिय रूप से समर्थन देना या उसको उकसाना अब यहाँ पर जो जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अगर कोई हड़ताल चल रही है कोई हड़ताल किया गया है और वह हड़ताल औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है अर्थात वह एक अविधिक हड़ताल है तो एक अवैधिक हड़ताल के लिए अगर कोई ट्रेड यूनियन आ, ऐसे हड़ताल का सलाह देता है ऐसे हड़ताल का सक्रिय रूप से समर्थन करता है या फिर ऐसे किसी हड़ताल को उकसाता है तो यहाँ पर उस ट्रेड यूनियन के द्वारा एक अनुचित श्रम व्यवहार किया जाता है जब भी हड़ताल किया जाता है हड़ताल का जो अधिकार श्रमिकों को प्राप्त है उस हड़ताल के अधिकार की सीमाएं हैं उसके लिए एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो जब भी कोई हड़ताल आयोजित किया जाएगा तो पूर्व में उस हड़ताल की सूचना कर्मचारियों के द्वारा अपने नियोक्ता को दी जाएगी अगर बिना पूर्व सूचना के कोई हड़ताल आयोजित किया जा रहा तो ऐसा हड़ताल इस, इस अधिनियम के तहत एक अविधिक हड़ताल होगा और ऐसे हड़ताल को प्रोत्साहन देने का कोई भी उद्देश्य औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस में नहीं है इसके पश्चात श्रमिकों को ट्रेड यूनियन में शामिल होने से रोकने के उनके अधिकार का प्रयोग करने के लिए मजबूर करना अगर कोई ऐसा ट्रेड यूनियन है जो यह चाहता है कि किसी उद्योग के श्रमिक केवल और केवल उसी ट्रेड यूनियन के सदस्य बने किसी अन्य ट्रेड यूनियन के सदस्य न बने वह अपने ट्रेड यूनियन की सदस्यता को बढ़ाना चाहता है और और उस बढ़ाने के माध्यम से वह किसी दूसरे ट्रेड यूनियन को कमज़ोर करना चाहता है और और इसके लिए वह ट्रेड यूनियन के सदस्यों पर एक प्रतिबंध लगाता है उन्हें रोकता है कि वह ट्रेड यूनियन के सदस्य बनने के अधिकार का प्रयोग न करें तो ऐसे में ट्रेड यूनियन के द्वारा एक अनुचित श्रम व्यवहार किया जाएगा इसी तरह से किसी ट्रेड यूनियन या उसके सदस्यों के लिए इस तरह से धरना देना कि गैर हड़ताल करने वाले श्रमिकों को शारीरिक रूप से कार्यस्थल में प्रवेश करने से रोकना हड़ताल तो कर रहे हैं लेकिन हड़ताल इस तरह से कर रहे हैं कि वो श्रमिक जो हड़ताल के पक्षकार नहीं हैं जो हड़ताल में भाग नहीं ले रहे हैं आप उनको काम करने से रोक रहे हैं उनको कार्यस्थल में प्रवेश करने से रोक रहे हैं तो यह अनुचित श्रम व्यवहार होगा गैर हड़ताल करने वाले श्रमिकों या प्रबंधकीय कर्मचारियों के खिलाफ हड़ताल के संबंध में बल या हिंसा के कृत्यों में शामिल होना उन्हें डराना उन्हें धमकी देना भी एक तरह का श्रम व्यवहार माना जाएगा इसी के साथ ही साथ नियोक्ता के साथ सद्भावना पूर्वक सामूहिक सौदेबाजी करने से इनकार करना अगर कोई ट्रेड यूनियन या फिर कर्मचारियों का सदस्य अपने नियोक्ता के साथ आ, सामूहिक सौदेबाजी करने से इनकार करता है तो इसे भी एक अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा सौदेबाजी करने वाले प्रतिनिधि के प्रमाणीकरण के खिलाफ ज़बरदस्ती गतिविधियों में शामिल होना अगर अगर प्रमाणीकरण करने वाले प्राधिकारियों द्वारा यह कह दिया गया कि कौन सी गतिविधि करनी है नहीं करनी है उसके विरुद्ध जा कर के अगर कोई व्यवहार किया जा रहा है तो उसे भी एक अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा इसके बाद कभी कभी उत्पादन को प्रभावित करने के लिए और नियोक्ता पर एक तरह का दबाव डालने के लिए जानबूझकर धीमी गति से चलना काम के घंटों के बाद कार्य परिसर में बैठना या प्रबंधकीय या अन्य स्टाफ के किसी सदस्य के घेराव को प्रोत्साहित करना या उकसाना भी एक अनुचित श्रम व्यवहार है नियोक्ताओं या प्रबंधकीय स्टाफ सदस्यों के आवास पर प्रदर्शन करना या ऐसे प्रदर्शन का प्रोत्साहन देना भी एक अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा उद्योग से जुड़ी नियोक्ता की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाना या उसमें शामिल होना भी एक अनुचित श्रम व्यवहार है तथा किसी भी कामगार को कार पर आने से रोकने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करना हिंसा के कृत्यों में शामिल होना या डराने की धमकी देना भी एक एक तरह का अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा इसके पश्चात हम देखते हैं औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के द्वारा क्या परिवर्तन लाए गए हैं औद्योगिक संबंध संहिता 2020 द्वारा जो प्रस्तावित बदलाव हैं वो बेसिकली अनुचित श्रम व्यवहार का अर्थ दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कोई भी व्यवहार है और साथ ही साथ कोई भी नियोक्ता या श्रमिक या ट्रेड यूनियन पंजीकृत है या नहीं है कोई भी अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा इसके लिए धारा चौरासी में उपबंध किया गया है तो धारा चौरासी जो कि अभी प्रस्तावित है ये औद्योगिक संबंध संहिता भारतीय संसद द्वारा पारित की गई है लेकिन अभी लागू नहीं हुई है आने वाले समय में इसको लागू होना है इसकी धारा चौरासी में नियोक्ता द्वारा श्रमिकों द्वारा उनके ट्रेड यूनियन द्वारा श्रम व्यवहार को रोकने का उपबंध किया गया है और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि कोई भी ट्रेड यूनियन वो पंजीकृत है या नहीं है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एक अपंजीकृत ट्रेड यूनियन भी आ, अनुचित श्रम व्यवहार के लिए दोषी हो सकता है इसी के साथ ही साथ औद्योगिक संबंध संहिता दो द्वारा जो प्रस्तावित बदलाव हैं उसको संक्षिप्त में हम जान लें अनुचित श्रम व्यवहार करने वाले को कम से कम दस हज़ार तक का जुर्माना देना होगा जिसे दो लाख रुपए तक का बढ़ाया जा सकता है तो जो आ, 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 दंड की जो सीमा थी एक हज़ार तक पुराने अधिनियम में अब उसको दस हज़ार से लेकर के दो लाख रुपए तक किया जा रहा है साथ ही साथ दूसरी अनुसूची में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन किया जा सकता है और किसी भी समय किसी भी व्यवहार को अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में लाया जा सकता है जो व्यवहार आज अनुचित श्रम व्यवहार नहीं है कल वो एक अनुचित श्रम व्यवहार बन सकता है तथा नई नई संहिता की दूसरी अनुसूची उन्नीस के संशोधन की पांचवी अनुसूची के समान प्रतीत होती है इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है बस यही बदलाव है कि इस अनुसूची को परिवर्तित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है कभी भी आने वाले समय में इसमें बदलाव करके और व्यवहारों को अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में डाला जा सकता है अगर हम अंत में यह देखें कि इस व्याख्यान में हमने क्या क्या समझने का प्रयास किया या जाना तो इसमें संक्षेप में हमने भारत में अनुचित श्रम व्यवहार की समस्या को जानने का प्रयास किया और इस अनुचित श्रम व्यवहार की समस्या से निपटने के लिए विधियों का विकास किस तरह से भारत में हुआ है उसको समझने का प्रयास किया इसके साथ ही साथ हमने नियोक्ता की ओर से की जाने वाली अनुचित व्यवहारों को तथा ट्रेड यूनियन की ओर से की जाने वाली अनुचित श्रम व्यवहारों की सूची का विस्तृत रूप में समझा और उसको जानने का प्रयास किया हमने भारत में अनुचित प्रथाओं के विनियमन के प्रयास को समझा और उससे जानने का प्रयास किया इसके साथ ही साथ हमने इस व्याख्यान में अनुचित श्रम व्यवहार के विनियमन हेतु वैधानिक प्रावधान और उसका किस तरह से विकास होता है और कैसे उसमें परिवर्तन आते हैं उसको भी जानने का प्रयास किया और अंत में हमने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 द्वारा जो प्रस्तावित बदलाव हैं उसको भी जाना तो इस तरह से हम लोगों ने इस व्याख्यान में अनुचित श्रम व्यवहार के विनियमन पर विस्तृत व्याख्या की धन्यवाद